हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नवजोत टॉक्स। मैं हूं नवजोत और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एनएनएस का फॉर्म कैसे फिल करना है। आपको जो जो मेन चीजें हैं मैं आपको सारी बता दूंगी, आप एक पेपर और पेन से लिख लीजिएगा ताकि आप जब अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करें तो आपको दोबारा से कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए शुरू करती हूँ और ये वीडियो हो सकता है टू पार्ट्स में हो जाए क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं दो पार्ट्स में अपलोड करूंगी। ओके, सबकी एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होती है जहां पे लिखा होता है मेन एप्लीकेशन और आपका नर्सिंग ग्रुप पूछते हैं। अगर रजिस्टर्ड नर्स है तो रजिस्टर्ड नर्स भर दीजिए, अगर आरपीएन है तो आरपीएन भर दीजिए, और प्रोविंस आपका जो भी है, जैसे मैंने ओंटारियो भरा है तो आप ओंटारियो, अल्बर्टा, जो भी प्रोविंस है यहाँ पे आपने रजिस्टर्ड करना है वहां का भर सकते हैं। एनएनएस आईडी और एप्लीकेशन नंबर नेक्स्ट है जो वो खुद जनरेट करते हैं जब आपका एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपका सेक्शन वन है जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और मिडल नेम। देखिए, फर्स्ट नेम में आपको आपका नाम भरना है जो है, जैसे मेरा नाम नवजोत है, आपका जो नाम है वो भरना है, और लास्ट नेम जो आपका फैमिली नेम है, सरनेम जिसे हम बोलते हैं वो है। जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री वेयर यू रिसीव योर इनिशियल नर्सिंग, जैसे इंडिया है, एजुकेशन, और लैंग्वेजेस विच यू स्पीक फ्लुएंटली, लैंग्वेज विच यू राइट फ्लुएंटली, मैंने इंग्लिश लिखा है, और फर्स्ट लैंग्वेज मैंने पंजाबी है जो आपकी मदर लैंग्वेज है, वो भर सकते हैं। एप्लीकेंट एड्रेस वो मैंने कनाडा का मेंशन किया था। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मतलब बहुत सारे नर्सेज जो हैं वो इंडिया से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर रही हैं तो वो कंफ्यूज हैं कि कहाँ का एड्रेस भरना है, तो कैनेडियन एड्रेस आपका अच्छा रहेगा क्योंकि आपको कोई भी मेल आती है, जैसे ये मेरी बुकलेट प्रॉपर मेल के थ्रू आई है, तो वो आपको इंडिया में पहुंचने में हो सकता है मिसप्लेस हो जाए। कोई भी अगर है आपके बिहाफ पे जो रिसीव कर सकता है आपका जो भी इंफॉर्मेशन का जो कुछ भी आएगा मेल, तो आप वो भर सकते हैं। तो मैंने कनाडा का भरा है, आप भी कनाडा का भरिए। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में फोन नंबर, ऑल्टरनेट फोन नंबर और ईमेल एड्रेस है। मैं कहती हूँ कनाडा के ही नंबर भरिएगा, वैसे वो कभी कॉल नहीं करते हैं। इनकेस अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलनी है, वो कॉल करना चाहते हैं, तो एक ऐसा नंबर भर दीजिए जो आपका मतलब एक्सेसिबल हो, जो आपको कॉल कर सकें वो, तो कैनेडियन नंबर इज ओके फॉर दैट। ईमेल एड्रेस जो है वो मैंने अपना एक अलग से आईडी बनाई है जिसमें सारे एकेडमिक जो भी चीजें रिलेटेड होती है, जैसे आयल्स हो गया, मेरा एनएनएस का हो गया, सीएनओ का हो गया, या कोई भी जॉब रिलेटेड कुछ भी है, तो वो एक अलग से ईमेल आईडी रखे, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे लोग आजकल ऑनलाइन शॉपिंग करने लग गए हैं तो बहुत सारी प्रमोशंस के आपको ईमेल भेजते हैं वो जो रिलेटेड वेबसाइट्स होती हैं, तो इंपॉर्टेंट ईमेल्स होती हैं वो कहीं चली जाती हैं, कहीं डाउन नीचे, तो आप होते हैं, आप सोचते हैं कि इन्फॉर्मेशन तो कभी कुछ आई नहीं है, ईमेल तो कभी कुछ आई नहीं है, तो एक अलग से ईमेल आईडी रखिएगा। सेक्शन टू जो है वो है नर्सिंग एजुकेशन का। देखो, नर्सिंग एजुकेशन अगर तो कनाडा में भी कुछ की है तो आपको दो भरनी पड़ेंगी, एक इंडिया की भी और एक यहाँ की भी, वो खुद आता रहता है, आगे पूछ लेते हैं ऐड करना है नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ का भी भरा था, यहाँ का दोनों में ना सेम ही चीजें पूछते हैं, नेम ऑफ स्कूल, जैसे नॉर्दर्न कॉलेज मैंने भरा, हैज दिस स्कूल क्लोज और मर्ज विद अनदर स्कूल, नो भरा, इस येस द नेम ऑफ द स्कूल, मैंने तो नो ही कर दिया, और एड्रेस जो प्रॉपर एड्रेस है वो, ठीक है। नर्सिंग प्रोग्राम के बारे में पूछते हैं कि कौन सा प्रोग्राम था, नेम ऑफ नर्सिंग प्रोग्राम और सेकेटरी नर्सिंग प्रोग्राम, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप मैंने फिल किया है। अगर आपने सिर्फ बीएससी किया तो पीएससी नर्सिंग भरेंगे, एमएससी किया तो मास्टर्स इन नर्सिंग ऐसे भरेंगे, अगर आपने मेंटल हेल्थ में की है कनाडा में तो वो भर देंगे आप प्रॉपर नेम जो है वो आपके जो डिग्री के ऊपर आने वाला है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स के ऊपर आने वाला है। टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज है, कैटेगरी ऑफ प्रोग्राम नर्सिंग है, नेम यूज वेल अटेंडिंग स्कूल, मेरा खुद का नाम, प्रोग्राम स्टार्ट डेट, प्रोग्राम कम्प्लीशन डेट, लैंग्वेज थ्योरी की, क्लिनिकल इंग्लिश, प्राइमरी लैंग्वेज क्या थी, इंग्लिश थी, नेम ऑफ क्रेडेंशियल, डिग्री ऑब्टेन्ड, जैसे मेरा सर्टिफिकेट है वैसे, ठीक है। वहां पे पोस्ट ग्रेड सर्टिफिकेट आता है, डिग्री आता है, डिप्लोमा, तो आपको वो एक पिक करना होता है, ठीक है। और नेम ऑफ स्कूल और नर्सिंग एजुकेशन वो इंडिया की बात है, मैंने वो अपना कॉलेज भरा, फिर वही सारी इंफॉर्मेशन, किसी के साथ मर्ज हो गया है नो भरा, इफ ये इस तो वो नो है, ठीक है। एड्रेस ऑफ नर्सिंग स्कूल तो प्रॉपर जो एड्रेस है लोकेशन का वो, ठीक है, क्योंकि वो बाद में मैच होता है कहाँ से सर्टिफिकेट गए हैं। नर्सिंग प्रोग्राम, नेम ऑफ नर्सिंग प्रोग्राम मेरा था बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, टाइप ऑफ स्कूल और ये था हॉस्पिटल, क्योंकि रजिंद्रा हॉस्पिटल जो है वो एक हॉस्पिटल के साथ हमारा कॉलेज है तो हॉस्पिटल। कैटेगरी ऑफ प्रोग्राम नर्सिंग। नेक्स्ट आपका इन्फॉर्मेशन आती है नेम एंड यूज वर अटेंडिंग द स्कूल, तो मेरा खुद का जो नाम वहां पे था, ठीक है। प्रोग्राम स्टार्ट डेट कब थी और प्रोग्राम कम्प्लीशन डेट कब थी, ये मैंने मतलब बहुत सारे बच्चों को इस चीज में प्रॉब्लम आती है कि हमें अपनी स्टार्ट डेट और कम्प्लीशन डेट नहीं पता है, तो रिलीविंग सर्टिफिकेट पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है वो आप भर सकते हैं। लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश, क्लिनिकल की भी, थ्योरी की भी, और प्राइमरी लैंग्वेज क्या थी वो मैंने इंग्लिश फिल की है। नेम ऑफ क्रेडेंशियल डिग्री ऑब्टेन, तो बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, ठीक है। और नेक्स्ट सेक्शन 3 जिसमें आता है नर्स रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन।
रजिस्ट्रेशन लोकेशन, ठीक है, जैसे मेरा पीएनआरसी था तो ये पहला ऑप्शन आता है, डिड यू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन द ज्यूरिसडिक्शन वेयर यू कंप्लीटेड योर इनिशियल नर्सिंग प्रोग्राम। अब देखो पंजाब में मैंने नर्सिंग एजुकेशन अपनी की है, रजिस्ट्रेशन भी पंजाब की है, तो येस इफ द ज्यूरिसडिक्शन और कंट्री ऑफ योर इनिशियल नर्सिंग प्रोग्राम डज नॉट इशू लाइसेंस। बहुत सारी कंट्रीज में लाइसेंस नहीं देते हैं, जस्ट नर्सिंग कर ली आप जाके कर सकते हैं एज अ नर्स काम। तो क्या आपका डिप्लोमा आपको इस चीज की राइट देता है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं? येस, इफ येस देन एंटर डिप्लोमा नंबर। आपका डिप्लोमा नंबर आपके सर्टिफिकेट पे होता है, आपको सबको अपना डिप्लोमा नंबर जो है वो पता है, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर लोकेशन, जो वो बॉडी है आपकी, जो गवर्निंग बॉडी है, जो रिस्ट्रिक्शन है, तो वो कहाँ की है? तो मैंने लिखा पंजाब नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल। आपका जो भी रिलेटेड है वो आपको फिल करना है, उनका प्रॉपर एड्रेस। अब पीएनआरसी का एड्रेस क्या है? मेडिकल शिक्षा भवन, थर्ड फ्लोर, सेक्टर 69, नियर मेयो हॉस्पिटल, SAS नगर, मोहाली, पंजाब 160062, इंडिया। ये तब का एड्रेस था, वेरीफाई कर लीजिए। अब क्या है, रिलोकेशन तो नहीं होगी है, तो उसके हिसाब से भरना है। डिटेल्स ऑन योर करंट रजिस्ट्रेशन एज अ नर्स। अब ये पीएनआरसी से रिलेटेड है, मतलब नर्सिंग लाइसेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। नेम यूज व्हेन रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रेशन वॉज इशूड, मेरा नाम, टाइटल ऑफ रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ, आपका जो भी है वो भर सकते हैं। करंट नर्स रजिस्ट्रेशन लाइसेंस नंबर, आपका लाइसेंस नंबर भरना है। स्टेटस ऑफ करंट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन लाइसेंस, मेरा नॉन प्रैक्टिसिंग, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिसिंग लिखना है। इफ दिस इज अ लाइफ टाइम प्रैक्टिस रजिस्ट्रेशन लाइसेंस, येस। करंट नर्स रजिस्ट्रेशन वो तो लाइसेंस नंबर मैंने आपको बता दिया, फिल करना है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लाइसेंस इशूड, आपके लाइसेंस के ऊपर जो लिखा है डेट ऑफ इशू वो आपको लिखनी है। अब लाइसेंस एक्सपायर्स अगर एप्लीकेबल है, द मेथड बाय विच यू वर रजिस्टर्ड अदर, क्योंकि देखो कनाडा में होता है नर्सिंग एग्जाम, RN का एग्जाम, NCLEX एग्जाम, CPNRA का एग्जाम, इंडिया में कोई एग्जाम नहीं होता है, ठीक है, मतलब पंजाब में तो नहीं था, तो वो मैंने लिखा है अदर, क्योंकि मैंने द मेथड जो ना तो एग्जाम का मेरे पास ऑप्शन था लिखने का, तो मैंने अदर लिख दिया, क्योंकि मैं वो बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी क्या था। आर यू करंटली एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन लाइसेंसर इन योर ज्यूरिसडिक्शन, येस। अब ज्यूरिसडिक्शन मतलब पंजाब में मैं लाइसेंस के लिए एलिजिबल हूँ, येस। Other characteristics of registration, have you ever been registered to practice in other health disciplines or health professions? No. Have you ever been registered to practice in any other regulated professions? No. मैंने सिर्फ नर्सिंग की है। कुछ लोग होते हैं जैसे कोई और प्रोफेशन भी होता है, फार्मासिस्ट भी होते हैं, तो उनको वो यस लिखना है और बताना है क्या है। और जो ऊपर मैंने बताया था, have you ever been registered to practice in other health disciplines or health professions? No. मतलब नर्सेज का सिर्फ नो ही आएगा इसमें। Okay. लोकेशन वी आर प्रीवियसली रजिस्टर्ड एज अ नर्स। अब कुछ लोग होते हैं जैसे पहले हरियाणा में, फिर पंजाब में मूव करिए, फिर जम्मू कश्मीर में कर गए, तो उनको वो सारी लोकेशंस का बताना है इफ एप्लीकेबल। प्रीवियस रजिस्ट्रेशन इन अदर हेल्थ डिसिप्लिन्स और हेल्थ प्रोफेशन इफ एप्लीकेबल, अदर रेगुलेटेड प्रोफेशन इफ एप्लीकेबल, मेरा तो नहीं था, ठीक है। अब आता है नर्सिंग एग्जामिनेशन जो नेक्स्ट वीडियो में है, तो इसके साथ ही वो वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, तो कंटिन्यूएशन में इसको भी देख लीजिए और उसको भी देख लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करती हूँ मैं, बाय।